हेलो। हाँ पापा। हेलो बेटा। हाँ पापा। कहाँ पर हो? हाँ जो कहा हो मतलब मैं तो अपने रूम पे हूँ। ओह अच्छा, लेकिन आप कहाँ हो? ओह मैंने यहाँ बिलासीपुरा में आया था, तो सोचा मैं तुमसे ज़रा मिलकर जाऊँ। ठीक है पापा, तो आइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जवानों, पापा आ रहा है। किसी भी तरह से अपने पापा के हाथों से हमें बचना है, तो इसके लिए क्या आप लोग मेरे साथ हो? तो सब लोग अपना अपना हथियार रेडी करो और लग जाओ काम पे। रेडियो ना, सब लोग रेडियो। ठीक है पापा, आइए आइए। और तुम सब अच्छे से पढ़ाई करके और बड़े बन जाओ, ये तो मेरा अच्छा है ना। सब अच्छे से ठीक है। और ये जो कपड़ा है ना, ये अपना जो सामान है, ये सब अच्छा से रहना ठीक है, ताकि कोई आदमी आकर देखे तो ये बहुत अच्छा है, ये इतना सुंदर से रखा है ठीक है। डिसिप्लिन जो डिसिप्लिन है हॉस्टल का, ये डिसिप्लिन भी तुम लोगों को मानना होगा ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ जो तुम्हारा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा चीज है, समझा ना। डिसिप्लिन जो है ये बहुत बड़ा चीज है, डिसिप्लिन से लोग आगे बढ़ते हैं। अगर तुम पढ़ाई करोगे, डिसिप्लिन नहीं मानोगे तो बड़ा नहीं मानोगे, समझ में है ना। और खाने का टाइम तो खाना पीना टाइम से करना ठीक है। और नहाते हो क्या? रोज नहाते हो ना? साफा भी बड़ा है हमारे पास। अच्छा अच्छा। और तुम लोगों ने सब काम मत करो, तो काम से अपना पापा का बदनाम हो जाए, ऐसा कुछ काम करो पापा का नाम रोशन हो जाए, समझ में आया ना। तो ठीक है, मैं और नहीं रुक पाता हूँ क्योंकि वक्त बहुत हो रहा है, तो मैं अभी चलता हूँ ठीक है। तुम अच्छा कह रहे हो। और जरा पैसे रख लो, पैसे टाइम से कुछ करना है। और अपना शरीर का ध्यान रखना। ये लो, तुम लोग 100